वैनगंगा मजदूर यूनियन बालाघाट द्वारा आज पुनः अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। वैनगंगा मजदूर यूनियन के अध्यक्ष विशाल बिसेन के नेतृत्व में स्थानीय सुभाष चौक स्थित मजदूर चौक में ढोल बजाते हुए रैली निकाली गई। यहां रैली नगरपालिका बालाघाट पहुंची, जहां पर श्री बिसेन के साथ मजदूर साथियों ने ढोल बजाकर एवं नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को और नगर पालिका का ध्यान आकर्षित करते हुए नगर पालिका प्रशासन को जगाने का प्रयास किया। आपको बता दें कि वैनगंगा मजदूर यूनियन द्वारा विगत कई महीनों से जय हिंद टॉकीज मैदान में बने मजदूर चौक में मजदूरों के बैठने के लिए बने जर्जर हो चुके शेड के पूर्णतः निर्माण और मजदूरों के लिए व्यवस्थित एवं सुरक्षित शेड बनाने, पुरुष एवं महिला मजदूरों के लिए अलग अलग शौचालय का निर्माण कराने तथा मजदूर चौक शेड स्थल से अवैध अतिक्रमण हटाने के साथ ही यहां पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने की मांग लगातार की जा रही है। लेकिन नगरपालिका प्रशासन द्वारा वैनगंगा मजदूर यूनियन की मांगों को लेकर अनेकों बार सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता रहा है। नगरपालिका द्वारा मजदूर चौक में कार्य करने के लिए जिस ठेकेदार को वर्क ऑर्डर जारी कर उक्त कार्य सौंपे गए हैं और उस ठेकेदार द्वारा आज तक कभी काम शुरू नहीं किया गया है, इससे आक्रोशित होकर आज पुनः वैनगंगा मजदूर यूनियन द्वारा रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। यूनियन के अध्यक्ष विशाल बिसेन के साथ आए सभी मजदूरों ने आज नगरपालिका सीएमओ से अपनी मांगों को लेकर आधार पर कार्य शुरू करने के लिए एक निश्चित तारीख की मांग की है। स्थिति को भांपते हुए नगरपालिका सीएमओ सतीश मटसेनिया द्वारा मजदूर चौक में शौचालय का निर्माण, शेड सुधार और साथ ही में पेयजल व्यवस्था का ठेका और वर्क ऑर्डर जिस ठेकेदार को दिया गया था उस तत्काल निरस्त करते हुए अन्य ठेकेदार को उक्त कार्य सौंपे गए। उनकी जो मांगे हैं, जायज मांगे हैं, कब तक हो पाएगा? बिल्कुल, वैनगंगा मजदूर संघ के द्वारा कम से कम 2 महीने से अधिक समय हो गया। उससे पूर्व उनके द्वारा मांग की गई थी कि हमारे बैठने के लिए जो 3 सेट में टूट फूट रहा है उसको रिपेयर करवाया जाए और उसमें कलर करवाया जाए, है ना। इसके अलावा फिर उनके लिए शौचालय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था। तो हमने काम को चालू करने के लिए ठेकेदार साहब को वर्क ऑर्डर दिए, लेकिन ठेकेदार साहब के द्वारा इसमें कोई रुचि नहीं ली गई। इसलिए हमने आज फिर इन लोगों के द्वारा प्रदर्शन के माध्यम से इस बात से अवगत कराया गया कि आपके द्वारा कोई काम नहीं करवाया गया है, तो बिल्कुल सही है, मतलब है ना। तो हमने अभी ठेकेदार साहब का जो वर्क ऑर्डर जारी किया था उसको कैंसिल कर दिया है। अब हम नए ठेकेदार को काम कर दे रहे हैं, जो कि 20 तारीख से सोमवार से काम को चालू कर देंगे और काम पूरा हो जाएगा और उनकी मांगों को पूरा कर देंगे। 4 दिनों के अंदर वर्क हो सकता है? जी बिल्कुल, 4 दिन बाद काम स्टार्ट होगा, मतलब सोमवार से काम स्टार्ट होगा 20 तारीख से। तो 20 तारीख से स्टार्ट होगा, तो जो भी है 10 दिन का या 15-20 दिन का ड्यूरेशन है, जो इस ड्यूरेशन में पूरा काम फिनिश हो जाएगा। लगातार बैनगंगा मजदूर यूनियन द्वारा लगातार मजदूरों की बातों को रखा जा रहा था, जहाँ पर मजदूरों को स्थानांतरित करके जनता गेट के पास जगह दी है। वहाँ पे जो शेड वगैरह बने हैं वो बहुत ही जर्जर हालत में, पानी की व्यवस्था नहीं है, अन्य सुविधाएं नहीं है, जिसको लेकर मजदूर हमेशा बोलता रहा है, उसको लेकर आपने आंदोलन किया था, क्या हुआ? ये क्या है कि बहुत लंबे समय से लगभग तत्कालीन कलेक्टर जो थे यहाँ पे बालाघाट में, उन्होंने राम मंदिर से हटा के मजदूर चौक कर लिया था जैन टाकी ग्राउंड में, और वहाँ पे जो पहले से शेड बना हुआ था मजदूरों के लिए, उस शेड को इन्होंने उपयोग के लिए कहा था कि मजदूर उसका उपयोग कर सकते हैं, वहाँ रुक सकते हैं, बैठ सकते हैं बारिश में, गर्मी में, धूप में, परंतु वो इतना जर्जर है और सुरक्षित भी नहीं है। हम लंबे समय से मांग कर रहे थे कि वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था करवाए प्रशासन, वो जर्जर शेड का निर्माण कराए, वहाँ पर वायदा जाली लगा के उसको व्यवस्थित करे, ताकि जो है उपद्रवीय आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व जो रात में इकट्ठा हो जाते हैं वो ना हो सके। साथ में हमारी जो महिला मजदूर आती है उनके शौचालय की और उनकी पानी की व्यवस्था के लेकर बहुत समस्या थी, उसको लेकर हमने बात की थी। हमें लगातार नगर पालिका द्वारा आश्वासन दिया जा रहा था कि जल्दी काम कर दिया जाए। पूर्व में हमें जानकारी दी गई कि उसका काम वर्क ऑर्डर निकाल दिया गया, किसी को ठेका दे दिया गया, पर 3 महीने से उस ठेकेदार ने कोई काम नहीं किया। जब भी हमने हमारे मजदूर साथियों ने चर्चा करने का प्रयास किया तो नगर पालिका से और ठेकेदार से हमें यही आश्वासन दिया है कि बस कल या 2 दिन में या 3 दिन में काम चालू हो जाएगा, परंतु लंबे समय से काम चालू नहीं होने के कारण आज हम यहाँ पर नगर पालिका को जगाने आए थे। हमने जो है ढोल बाजे के माध्यम से हमारे मजदूर साथियों के साथ यहाँ पर 6 सुभाष चौक से होते हुए नगर पालिका पहुँचे,
हमने माननीय सीएमओ महोदय को इस बात से अवगत कराया कि काम अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। हमने सीएमओ महोदय से निवेदन किया था कि आज आप एक तारीख तय कर दीजिए कि किस तारीख से काम शुरू होगा, तो हम यहाँ से शांतिपूर्वक चले जाएंगे, वरना हमारा धरना यहाँ चालू है। परंतु सीएमओ साहब ने अभी आके जानकारी दी है कि उन्होंने पूर्व जो तत्कालीन ठेकेदार था उसका टेरा निरस्त करके नया वर्क ऑर्डर किसी नए ठेकेदार को जारी किया है और 20 तारीख से जो है वो काम शुरू हो जाएगा। तो उस अगर शुरू नहीं होता तो हम उनको एक बार संपर्क करके अवगत कराएँ। हमारा आगे है कि अगर 20 तारीख से कार्य काम शुरू नहीं होता तो हम एक बार जो है सीएमओ साहब को फ़ोन पर जरूर अवगत कराएंगे और उसके बाद अगर 24 तारीख तक के काम फिर शुरू नहीं हुआ तो हम अनिश्चितकालीन धरने पे नगर पालिका के अंदर बैठेंगे। पहला, दूसरा, पूरी नगर पालिका कैंपस को हम जाम कर देंगे और नगरीय प्रशासन को घुटने टेक कर हमारा काम चालू करा। एक बड़ी समस्या वहाँ पे है जहाँ मजदूरों को जगह दी गई है लेकिन मजदूरों को बैठने की व्यवस्था नहीं है, यानी वहाँ पे वाहन खड़े रहते हैं, ट्रांसपोर्ट नगर बना हुआ, उसके लिए क्या है? मजदूरों को बैठने के लिए ही शेड बनाओ, वही शेड ज़्यादा नहीं, ट्रांसपोर्ट नगर जो ट्रांसपोर्ट नगर नहीं बना है वो परचून ट्रांसपोर्ट गोदाम है, वहाँ पे हमारी यही गाड़ियाँ जो हमारे मजदूरों जो चालक मालक है उनकी गाड़ी आती है, सामान लोड करती है, अनलोड करती है और चले जाती है। 24 घंटे वहाँ गाड़ियाँ नहीं रहती। मजदूरों के बैठने के लिए बाकायदा दो पार्ट में शेड बनाए हुए जो टूटा हुआ है, उसी शेड के निर्माण के लिए को सही कराने के लिए हम लोग इतने समय से आंदोलन। कितनी मांगे आपकी, क्या क्या है शेड निर्माण की? चार मांगे हमारी शुरू से रही है। एक तो शेड का निर्माण, महिलाओं के लिए जो साइड में शेड बना उसको सुरक्षित किया जाए, मतलब उसके लिए जाली उसका गेट वेट वहाँ बनाया जाए, पीने के पानी की व्यवस्था और एक शौचालय का निर्माण किया जाए। चार मांगे हमने शुरू। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट।